अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हल्द्वानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। हल्द्वानी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में बालिकाओं को मजबूत बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है, जिसका उद्देश्य किशोरियों को जन्म से लेकर किशोरावस्था तक लाभ पहुंचाना है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज हमने एक थीम रखी थी, महावारी में स्वच्छता हमारा अधिकार और कर्तव्य, उसको लेकर आज यहाँ हल्द्वानी में कार्यक्रम किया गया है और पूरे जनपदों में सांकेतिक रूप से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बालिकाओं को उनकी महावारी के दौरान में किस प्रकार से उनको स्वच्छता रखना चाहिए वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और क्या क्या उनको करना चाहिए उनके कर्तव्यों को यहाँ पर बोध कराया गया। यहाँ पे डॉक्टर के माध्यम से भी इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारियाँ दी गई। स्वयं हम लोग भी इस अभियान में जिस प्रकार से भी उनकी मदद कर सकते हैं, निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से लेकर साथ साथ में एक रुपये में एक सैनिटरी पैड यह भी देना हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों से सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश है कि एक अद्भुत शक्ति जो एक बालिका के अंदर ईश्वर ने प्रदत्त करी है उसको सही। वही जब लिंगानुपात को लेकर मंत्री रेखा आर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने लिंगानुपात पर संतोष जताते हुए कहा कि उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में सही दिशा में है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर 1000 लड़कों पर 984 लड़कियां तक पहुंच गया है, जिसको उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। लैंगिक अनुपात की तो लैंगिक अनुपात में आज जहां एक समय में 850 बालिकाएं हुआ करती थी 1000 बालकों पर, 2017 से पहले 2017 के बाद से लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में यह संभव हो पाया कि आज उत्तराखंड जो है 1000 बालकों पर 960 जो है या 984 बालिकाओं तक पहुंच गया है। तो अपने आप में मैं समझती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है। कई जनपद तो 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाओं की संख्या से भी आगे बढ़ गए हैं, जो कि स्वागत योग्य है। तो ये लगातार प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो है वो परिणाम है। आपको बता दें कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कराने के पीछे सरकार की मंशा जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।